हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनंत। तो आज मैं आपको वैलेंटाइन डे विश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा वैलेंटाइन डे तो उस दिन खत्म हो गया था जब स्वरों ने हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर आक्रमण किए थे 14 फरवरी 2019 को। जब जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा नामक पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप ने एक कार के जरिए में सुसाइड बॉम्बर के रूप में हमारे सज्जर के सीआरपीएफ जवानों के गाड़ी के ऊपर आक्रमण किए थे, और उधर ही हमारे 40 से अधिक जवान सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। उस दिन से इस 14 फरवरी को भारत में हिंदुस्तान में एक काला दिन और काला दिवस रूप में मनाया जाता है। लेकिन दुख की बात, उन सीआरपीएफ जवानों की बलिदान और त्याग को आज हमारे देश के युवा गोष्ठी याद नहीं करते हैं। वो आज के दिन में वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप कैसे भूल सकते हैं देश प्रति अपना कर्तव्य को। आप देश के भविष्य है, आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। तो पहले अपना कर्तव्य कीजिए, उन जवानों को सम्मान प्रदर्शन कीजिए। यह वैलेंटाइन डे यह सब मोहमाया है। जितना भी प्रमिस कर लो, एक दिन वो आपको आके बताएगी कि पापा नहीं मान रही। तो आप उठिए, जागृत हो जिए। आपको जागृत होना पड़ेगा, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाए, देश के लिए कुछ कीजिए और हमारे देश के जवान को सम्मान प्रदर्शन कीजिए। इस वीडियो में यही संदेश आपको देना चाहता था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंड वन मोर थिंग, माय मदर टंग इज ओडिया, आई एम फ्रॉम ओडिशा, सो अ लॉट ऑफ मिस्टेक मे बी देयर इन माई हिंदी, please do manage. Next time I will try my best to increase the quality of Hindi speaking. Thank you for watching. And one more request, if you are watching this video on Facebook page, please do like and follow this page. And I am going to bring a lot of video regarding defense related things and the update of defense news.